जनता मुजफ्फरनगर के एक बैंक्वेट हॉल में आज प्रेस वार्ता करते हुए पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंह नंद गिरी आज केंदकी गांव के ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन करने हेतु प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, दारुल उलूम देवबंद सारी दुनिया को विश्व युद्ध की विभीषिका में झोंकने की तैयारी है। दारुल उलूम देवबंद की तालिबान, अलकायदा और ISIS जैसे दुर्दांत जिहादी संगठनों की मात्र संस्था है। यह संस्था संपूर्ण विश्व के विनाश के बीज बो रही है। केंदकी गांव में बन रहा उनका केंद्र इसी उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है स्वामी नरसिंहानंद गिरी और मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। केंदकी गांव में जो स्काउट के नाम पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का सेंटर बनाया जा रहा है दारुल उलूम देवबंद के द्वारा, मैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करता हुआ पूरे देश में घूम रहा हूं। और दुख की बात है कि सहारनपुर जिले में हो रहा, मुजफ्फरनगर के लोग जागरूक नहीं है। तो मैं मुजफ्फरनगर में आया हूं लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए। सारे जिहादियों की मात्र संस्था है दारुल उलूम देवबंद। ISIS, अलकायदा, तालिबान और ऐसे सैकड़ों संगठन हैं जो दारुल उलूम देवबंद से चलते हैं। तो मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि दारुल उलूम देवबंद जैसी एक भी संस्था यदि दुनिया में रहेगी तो दुनिया में शांति नहीं हो सकती। और ये बताना पड़ेगा पूरी दुनिया को, वरना दुनिया तबाह होगी। और ये साधुओं का काम है बताना, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। सर, मेरा एक सवाल आपसे, स्काउट गाइड जो वो एक संस्था, स्काउट गाइड, देखिए बात स्काउट गाइड की नहीं है, बात सुनिए, इस्लाम के इतिहास, देखिए सुनिए, इस्लाम, ये संस्थाएं क्या पाकिस्तान में नहीं थी? क्या ये संस्थाएं जो है अफगानिस्तान में नहीं खड़ी हुई? ये संस्थाएं कहां नहीं है? जम्मू कश्मीर में नहीं थी? वहां एक भी हिंदू छोड़ा गया क्या? जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी और वो हाथ में हथियार उठाएंगे, पहले वो हिंदुओं को मारेंगे, फिर आपस में एक दूसरे का कत्ल करेंगे। क्योंकि इस्लाम का जो पैगंबर है मोहम्मद बता के गया है कि इस्लाम के 73 फिर के होंगे जिसमें 72 जहन्नम ही होंगे। नहीं तो स्काउट गाइड का जो संगठन, स्काउट गाइड का नाम होने से नहीं होता, वहां ट्रेनिंग किस चीज की दी जाएगी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये उनके इतिहास में से खंगालना पड़ेगा, इस्लाम के इतिहास को खंगाल के देखना पड़ेगा। जो काम गाइड में जो नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है वो, जो नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, सुनिए, नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए तो बहुत सारे सेंटर है। दारुल उलूम देवबंद को क्यों आगे आना पड़ा? दारुल उलूम देवबंद एक भी पैसा धरती पर वहां खर्च करता है जहां निर्दोष लोगों को मार सके, उनकी औरतों की मंडी लगा सके, उनका कत्ल कर सके और उनको कब्जा सके, जैसे तालिबान ने किया। तालिबान ने क्या किया अफगानिस्तान में? तालिबान को अलग से तोड़े, तालिबान का मतलब है इस्लाम का विद्यार्थी, तालिब कहते हैं इस्लाम के विद्यार्थी। आपकी नजर में जो देवबंद दारुल उलूम से स्काउट गाइड की जो संस्था बनाई गई है, कोई जरूरत नहीं उन्हें, उन आपसे के लिए खतरनाक है, पूरी विश्व सभ्यता के लिए, मानवता के लिए। क्योंकि वहां मानवता के शत्रु लोगों को मारना सीखेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जागरूक कर रहे हैं? मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं, बिल्कुल, आगे भी जब तक मर नहीं जाता जब तक करता रहूंगा।